कहते हैं एक औरत का मन समंदर से भी गहरा होता है, और ऐसे ही मन की गहराई से काव्य रचने वाली लेखिका विभाषा मिश्र जी की रचना एक नई शुरुआत आप बुक ऑडियो पर सुन रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त पायल विशाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई शुरुआत इस काव्य संग्रह के अगले कविता की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है जिंदगी की किताब। चलो जिंदगी की किताब लिखी जाए, जीवन के मनचाहे रंग उसमें भर दिए जाए। जरूरी नहीं कि सब कुछ मन मुताबिक हो, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लम्हों को भी जोड़ दिया जाए। चलो जिंदगी की किताब लिखी जाए, जो पल गुजर गए उन्हें संजोकर, कुछ नए तो कुछ पुराने किस्सों में पुरोकर, एक नई शुरुआत तो की जाए। चलो जिंदगी की किताब लिखी जाए। तेरे संग बिताए हुए दिनों को सजाकर, धुंधले पड़ गए यादों के पिटारों को मिलाकर, एक ऐसा इतिहास रचकर दिखा जाए। चलो जिंदगी की किताब लिखी जाए। चलो जिंदगी की किताब लिखी जाए। बढ़ते हैं अगले कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जीवन और संघर्ष। जीवन के हर मोड़ पर केवल संघर्ष करती हुई मैं, मेरी जिंदगी इन्हीं के बीच ही पिसकर रह सी गई है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यह कभी ना खत्म होने वाला किस्सा है, जो जीवन भर ही साथ चलता रहेगा। क्या इसी का नाम जीवन है, या फिर संघर्ष के हर मोड़ पर मैं ही कठिन से कठिन परीक्षा के लिए समाज के तराजों पर तुलती हुई नजर आऊंगी। जीवन है तो संघर्ष भी होगा ही, मगर मेरे जीवन की इस छोटी सी किताब में और कितना संघर्ष करना लिखा है। क्या आखिर तक यह जीवन और संघर्ष का खेल मेरी ही कहानी में चलता रहेगा, और मैं अकेली ही उस कहानी की अदाकारा बनकर रह जाऊंगी। मगर अपने सामर्थ्य से इस खेल को भी एक ना एक दिन मैं जीत कर ही दम लूंगी। जीवन और संघर्ष के बीच के द्वंद को आखिर मैं सुलझा कर ही रहूंगी। यही मेरी असली जीत होगी इस जीवन और संघर्ष के बीच, इस जीवन और संघर्ष के बीच।